किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आप बताएंगे, हमारी धान की जो रोपाई है लगभग पूरी होने वाली है। धान की रोपाई की बात करें तो इधर देख रहे होंगे, ये पूरा प्लाट 40 बीघे का है और धान रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है। 2-3 बीघे धान लगाने को रह गया है और पूरी नर्सरी लगा हुआ है। जो ये लगा हुआ है, एक शक्ति कंपनी का ताज़ धान है। और इधर देख रहे होंगे, ये हमारा जो 6129 गोल्ड, 6129 गोल्ड जो वैरायटी है, कम समय में। किसान भाइयों, इसमें एक खासियत है, आलू बोना रहता है, बहुत अगेती फसल हो जाती है, बहुत कम समय में इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है, जिससे समय से खेत भी खाली हो जाता है। और यहाँ पर जो अगेती आलू की फसल है वो भी बुआई हो चुकी होती है। इसलिए किसान भाइयों, इस 40 बीघे प्लाट में 6129 गोल्ड की वैरायटी लगी हुई है। दूसरी प्लाट की बात करें तो यहाँ पर ये नर्सरी देख रहे हैं, इधर नर्सरी ताज लगी है, शक्ति कंपनी का ताज धान है। ताज धान भी काफ़ी महंगा धान है। इस बार जो इसका बीज था शॉर्टेज चल रहा था, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। 920 1000 रुपये 950 रुपये तक बीज प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका मार्केट में मिल रहा है। तो यहाँ पर 6129 गोल्ड जो धान मोटा टाइप में धान होता है, और जो हमारा ताज धान है ये पतला धान होता है, इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बनी हुई है। तो यहाँ पर किसान भाई बताएंगे, धान का जो हमारा प्लाट है, इसमें धान की रोपाई होने के बाद हम DAP खाद डालते हैं, और इसमें पहले रीजेंट जो कार्ट ऑफ है, रीजेंट है ये, इसमें जो दीमक के लिए है वो लास्ट जुताई के पहले बुआई हो चुकी है। तो किसान भाइयों, अगर दीमक थोड़ा बलुई मिट्टी है और दीमक की समस्या रहती है, कीटों की समस्या रहती है, तो उसके पहले आप कार्ट ऑफ या दीमक, उसके लिए रीजेंट जो बाहर कंपनी आती है, प्रति बीघा 1 kg के हिसाब से अपने खेत में बुआई कीजिए और जुताई करके उसमें मिट्टी में मतलब मिल जाना चाहिए। इससे वहाँ पर दीमक का प्रकोप किसान भाइयों नियंत्रण कर पाएंगे। और पहला खाद है किसान भाइयों, वहाँ पर 8 से 10 दिन के मतलब अंदर आपको पहला खाद अपनी धान की रोपाई हो जाने के बाद आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। मैंने पिछली कई वीडियो बनाया है कि जो मनोज जिंक आती है उसका मात्रा कब डालनी है, कितने समय में डालनी है, पूरी जानकारी आप वहाँ पर पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पहला खाद है सबसे इम्पॉर्टेंट खाद होता है, यानी कि यूरिया, जो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन सबसे पहला पोषक तत्व होता है जो हमारी धान रोपाई के लगभग 8 से 10 दिन के बाद डालते हैं। 8 से 10 दिन के बाद डालने के साथ यूरिया में और क्या क्या खाद मिलानी है, पूरी जानकारी आप नीचे जो वीडियो दिए हैं उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं कि पहला खाद रोपाई के कितने दिन बाद डालना चाहिए, कौन सी खाद यूरिया के साथ साथ और कौन से जो पोषक तत्व हैं उसको मिलाना चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। और समय से खाद भी आपको देनी होती है। फार्मूला सबसे बेस्ट फार्मूला है किसान भाइयों, DAP कितनी मात्रा में डालना है और DAP कब डालना है, कैसे खरपतवार को नियंत्रण कर पाएंगे, रोपाई के समय जो उगने वाले खर होते हैं, 5-6-7 दिन में खर उगना शुरू हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से खरपतवार नाशक दवाओं का यहाँ पर आपको डालने की जरूरत होती है, पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर धान की जो रोपाई है हमारी लगभग पूरी हो चुकी है, धान की नर्सरी लगी हुई है, पूरा प्लाट देख रहे हैं, 40 बीघे का प्लाट है, मात्र 2 से 3 बीघे लगाने को रह गया है, पूरी रोपाई लगभग पूरी हो चुकी है। और जो कुछ धान हमारे दूसरे प्लाट में रोपाई होनी है वो कल परसों पूरी रोपाई हो चुकेगी, और इसके बाद पहला खाद डालना शुरू हो जाएगा। कुछ खेत हमारा 10 बीघे का है, उसमें पहला खाद पड़ भी चुका है, सबसे पहले रोपाई हो चुकी थी। और जो DAP खाद है या सिंगल सुपर खाद है और या फिर ये NPK 052 वो NPK जो हमारा 16-12-32 है वो डाल रहे हैं, उसकी कितनी मात्रा डालनी है, पूरी जानकारी किसान भाइयों ने बता दी है। और DAP डालते समय किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान देना है, DAP डाल करके आपको खेत में पानी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, ना बहुत ज़्यादा कम भरना है, मतलब बराबर पानी खेत में होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी भी हो जाता है तो खेत में वहाँ पर जो कल्ले हैं, कल्लों की संख्या है, फुटाव है, अच्छे से देखने को नहीं मिलता है।
और नर्सरी किसान भाइयों 21 से 25 दिन पर जब नर्सरी हो जाती है तो दूसरे खेत में आपको रोपाई कर देनी चाहिए। अगर जितनी लेट आप नर्सरी की रोपाई करेंगे उतने ज़्यादा कल्लों की संख्या कम हो जाएगी, वहाँ पर उसका जो ब्यास होता है उससे फुटाव होता है, उसमें जो कल्ले होते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, इस बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। तो हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर देख रहे हैं खड़ा हुआ है और इसमें रोटावेटर से जुताई होने के बाद दो बार रोटाई जुताई करते हैं, इसके बाद दो बार पाटा लगा करके धान की रोपाई की जाती है, जिससे खेत में बराबर पानी भी भरा रहे और खेत एकदम मुलायम, बिल्कुल आप पैर रखते होंगे तो कम से कम 1 फुट 1.5 फुट अंदर पैर घुस जाता है, इतना मुलायम खेत बन जाता है। तो ऐसी किसान भाइयों जब खेत की तैयारी करेंगे और जो मेड़ वगैरह होती हैं तो पहले उसमें आप राउंडअप जो मीरा 71 आती है उसको आप डाल देना होता है कि खरपतवार वहाँ पर ना उगे। दूब जैसे होती है, ढेरी होती है, ये सब खरपतवार ज़्यादा उगाते हैं और जो दूब घास होती है बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, इसलिए वहाँ पर राउंडअप आप डाल दीजिए, खरपतवार एकदम से मेड़ से नष्ट हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत खरपतवार बचता है बाद में उगता है रोपाई के बाद, तो वहाँ पर आप खुरपी की सहायता से निराई कर देंगे, पूरा एकदम मेड़ बिल्कुल सफाया हो जाएगी। जब वहाँ पर खरपतवार नहीं होता है तो वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं वहाँ बैठ जाते हैं, अगर ज़्यादा खरपतवार हो जाता है तो कीड़े मकोड़े वहाँ पर, जब वहाँ पर गोब की अवस्था आती है यानी बालियाँ निकलने की अवस्था आती है तो वहाँ पर कीड़े सीधे अटैक कर देते हैं, जिससे दुग्धावस्था होती है वहाँ का रस जो है चूस लेती हैं, जिससे हमारा दाना कमज़ोर हो जाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों देखने को मिलती है, तो इस बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान देना है। धान की रोपाई पूरी हो चुकी है, मैं अगला वीडियो बनाएंगे धान में जो यूरिया के साथ, और उसमें अगर कल्ले ज़्यादा नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या कौन सी खाद देना है, कौन सा तरीका अपनाना है जिससे वहाँ पर फुटाव ज़्यादा हो, फुटाव ज़्यादा होगी तो बालियाँ ज़्यादा आएंगी और लास्ट में आपको उत्पादन भी बम्फर देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।